बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। नगर में रही बम बम भोले की गूंज, विधायक रामपाल सिंह ने हजारों कांवड़ियों के साथ किया महाजल अभिषेक, सभी को भेंट किए एक एक पौधे। बेगमगंज नगर में छठवीं बार श्री सिद्ध शिवालय मंदिर में भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए नगरवासियों ने विशेष तैयारी की थी। हजारों कांवड़ियों द्वारा विधायक रामपाल सिंह की अगुवाई में श्रावण मास आज सोमवार को हजारों से भक्त कांवड़िया यात्रा के साथ नगर में सड़कों पर कांवड़ में मां नर्मदा का जल लेकर बम बम भोले की जय घोष करते हुए गुजरे तो समूचा गगन मंडल शिवमय हो गया। वहीं डीजे की धुन पर धार्मिक भजनों के माहौल में धार्मिक हो गया। शहर के पुरुषों व महिलाओं ने अपने अपने घरों से निकलकर कांवड़ियों की नगर में भव्य स्वागत के लिए होड़ मची हुई थी। पवित्र श्रवण मास में विधायक रामपाल सिंह की अगुवाई में करीब 5,000 भगवाधारी कांवड़िए द्वारा बम बम भोले की जय घोष के साथ संगीतमय भजनों के धुन पर नाचते गाते जैसे ही नगर में प्रवेश किया, उत्साहित हजारों श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प पंखुड़ियों से वर्षा का स्वागत करते हुए हर हर महादेव जयकारों से आकाश गुंजन हो गया। विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत और जलपान की व्यवस्था की गई थी। यात्रा भोले शंकर का रूप धारण किए चल रहे भोलेनाथ आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहे। नगर में जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए थे। जगह जगह मंगल कलश और पुष्प वर्षा के साथ विशाल कांवड़ यात्रा में आरती उतारी गई। यात्रा गांधी बाजार स्थित सिद्ध शिवालय मंदिर पहुंची, जहां बाजार से आए विद्वान पंडितों द्वारा पूजा अर्चना के बाद जजमान रामपाल सिंह, उनकी पत्नी शशि प्रभा राजपूत व उनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्गेश प्रताप सिंह सहित लगभग 5,000 कांवड़ियों ने हजारों व अन्य श्रद्धालु लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करके नर्मदा मैया के पवित्र तट शहीद स्थल बोराज से पवित्र जल लेके यात्रा प्रारंभ हुई और लगभग 100 किलोमीटर यात्रा चल के आई। 5,000 के लगभग कांवड़ यात्रियों ने पैदल चल के व्रत रख के और ये आज शिवालय सिद्ध धाम बेगमगंज के अंदर जल अर्पण किया, शिव अभिषेक किया, ब्राह्मण देवताओं ने पूजन किया और जगह जगह बोराज से ही लेके उदयपुरा सिलवानी उज्जैन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। महाकालेश्वर भस्म आरती आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार, महाकाल में लगा भक्तों का तांता। श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए थे। तड़ाके 2:30 बजे से ही बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हो गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया। और श्रवण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना जाता है। मान्यता है कि श्रवण माह में शिव आराधना करने के लिए सभी का कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रवण के दूसरे सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल अभिषेक से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध दही घी शहद व फलों के रस से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान के वस्त्र धारण कराए गए, तत्पश्चात बाबा की भस्म आरती चढ़ाई गई। भस्म विभूति होने के बाद झांज मंजीरे ढोल नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल था। भादो मासो सोमवार से बाबा के महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, इसलिए शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाबा की सवारी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर घंटों किनारों पर इंतजार करते हैं। महाकाल की एक झलक पाने के लिए अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। उज्जैन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।